पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा मुखबिर लगाकर पेट्रोलिंग व सूचना संकलन कर नशे का कारोबार करने वाले कारोबारियों के संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। इसी तारतम्य में साइबर सेल एवं थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्तियों द्वारा दो चार पहिया वाहन में उड़ीसा से गांजा की तस्करी की जा रही है, जिस पर साइबर सेल एवं थाना मंदिर हसौद की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर द्वारा बताए वाहनों को पकड़ने हेतु नाकेबंदी की गई तथा वाहन की पता साजी कर वाहन को चिन्हांकित करने के प्रयास किए जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों द्वारा वाहनों को आता देख रुकवाने का प्रयास किया गया, परंतु वाहनों के चालकों द्वारा वाहन न रोकते हुए और भी तेज गति से चलाया जाने लगा, जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा वाहनों से पीछा व घेराबंदी करते हुए अंतर दोनों को वाहनों एवं उसमें सवार व्यक्तियों को थाना मंदिर हसौद क्षेत्र अंतर्गत FCI गेट के सामने पकड़ने में सफलता मिली। दोनों वाहनों के अंदर कुल 7 व्यक्ति बैठे थे, जिनसे पूछताछ करने पर सभी ने अपना नाम व पता बताया। टीम के सदस्यों द्वारा दोनों वाहनों की तलाशी लेने पर वाहन में प्लास्टिक की अलग अलग पैकेटों में गांजा रखा होना पाया गया, जिस पर सभी आरोपियों के कब्जे से कुल 1 क्विंटल गांजा जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रुपए एवं गांजा तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो पिकअप वाहन एक आर्टिगा कार जिसकी कीमत लगभग 13 लाख रुपए है जब्त की गई। पूछताछ में आरोपियों द्वारा गांजा को उड़ीसा से लाकर मध्य प्रदेश तस्करी करना बताया गया। थाना मंदिर हसौद अंतर्गत सूचना मिली थी साइबर टीम और थाने की टीम को कि महासमुंद तरफ से जो उड़ीसा से 2 गाड़ियों में गांजा आ रहा है, इस सूचना पर FCI जो गेट है वहां पर चेक पोस्ट लगाया गया और घेराबंदी करके 2 गाड़ियों को पकड़ा गया। उस गाड़ी से 1 क्विंटल के आसपास गांजा बरामद किया गया है और इसमें से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 आरोपी उड़ीसा के हैं, 2 आरोपी यहीं के हैं। इनको गिरफ्तार करके NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है।